हे एवरीवन, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आम की खट्टी मीठी चटनी। तो आजकल कच्चे आम कैरी मार्केट में भर भर के आ रहे हैं, तो अचार जो भी है साल भर के लिए, अचार, चटनी या हिंग का अचार, जो भी आप स्टोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। सालों साल चलने वाली ये खट्टी मीठी चटनी बहुत ही अच्छी लगती है, चाहे आप इसको पूरी पराठे के साथ खाएँ, चाहे आप इसको ब्रेड पर लगा कर भी खा सकते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 कच्चे आम। तो आम जो है बिल्कुल कच्चा होना चाहिए, पका हुआ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके के मीडियम साइज़ के लिए हैं। उसके बाद अच्छे से इसको पानी से धो लिया है, उसके बाद अच्छे से इसको पोंछ लिया है साफ़ कपड़े से, और उसके बाद यहाँ पर हम इसका छिलका हटाएंगे। तो इस तरीके से मैं इसको छील लूँगी। तो इस तरीके से मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, सिर्फ 2 से 3 आम का ही मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो साल भर के लिए आप जितना स्टोर करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, आसानी से ये साल भर चल जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने तीनों आमी का इस तरीके से मैंने छिलका उतार लिया है। अब यहाँ पर हमने ग्रेट ले लिया है, जिससे कि हम ग्रेट करेंगे इसको। तो यहाँ पर इस तरीके का मैंने ग्रेटर लिया है, तो ये जो बड़े वाला जो साइज़ होता है उससे हम इसको ग्रेट करेंगे। अगर आप बड़े साइज़ से करेंगे तो जो आपके जो लच्छे हैं वो एकदम बड़े बड़े आएंगे, तो आपको ये बड़ा वाला साइड ही यूज़ करना है। तो छोटे साइज़ का नहीं यूज़ करेंगे, जिससे कि जो लच्छे हैं ना, जब हम चटनी खाते हैं तो वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं बड़े बड़े। तो इस तरीके से मैं इसको करूँगी। तो इसी तरीके से मैं सारी आमियों को यहाँ पर कद्दूकस कर लूँगी और इस तरीके से इसके लच्छे बनाकर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसी तरीके से सारी आमियों को इस तरीके से ग्रेट कर लिया है कच्चे आम को। तो यहाँ पर तीनों आमी को इस तरीके से ग्रेट किया है, एकदम आप देख सकते हैं बिल्कुल लंबे लंबे लच्छे बनकर तैयार हुए हैं। क्योंकि जब हम इसको खाएँगे ना चटनी को, तो इस तरीके के जो लंबे लच्छे होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने ले ली है कढ़ाई, गैस पर रख दी है कढ़ाई। उसके बाद उसमें डाल देंगे जो हमने ग्रेट करके तैयार किया है कच्चा आम, वो यहाँ पर डाल देंगे कढ़ाई में। साथ में ही अब हम यहाँ पर मीठा करने के लिए, मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ गुड़ का। यहाँ पर मैंने यहाँ पर आधी कप ही मैंने गुड़ लिया है, और 1 कप मैंने यहाँ पर चीनी ली है। तो यहाँ पर मैंने चीनी भी ली है और गुड़ भी लिया है। आप चाहें तो खाली चीनी से भी बना सकते हैं या फिर गुड़ से ही बना सकते हैं। मैंने दोनों इसलिए मिक्स किया है कि अगर आप ज़्यादा गुड़ डालेंगे तो जो कलर है ना, वो अच्छा नहीं आता चटनी का। तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा चीनी का इस्तेमाल भी कर रही हूँ, थोड़े से गुड़ का। तो गुड़ मैंने इस तरीके से थोड़ा कट कर लिया था, जिससे वो आसानी से मेल्ट हो जाए। चाहे तो आप इसको मिक्सी में भी चला कर गुड़ को डाल देंगे तो बहुत ईजिली मेल्ट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप इसमें शक्कर का इस्तेमाल करना चाहते हैं गुड़ की जगह, तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे, जब तक कि जो हमारा गुड़ है और चीनी है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती, जब तक हमें इसी तरीके से इसको चलाना है। और गैस की फ्लेम यहाँ पर आपको लो टू मीडियम ही रखनी है। हाई फ्लेम पे करेंगे तो बहुत जल्दी मतलब जो आम है ना आपकी, वो अच्छे से पकेंगी नहीं, और बहुत जल्दी ये है जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको मीडियम गैस पर ही इसको बनाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो चीनी और गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो यहीं पर हम मसालों में डाल देंगे काला नमक। तो यहाँ पर काला नमक के बाद यहाँ पर थोड़ी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, जिससे कि एक अच्छा सा कलर आ जाए हमारी चटनी में। और साथ में ही थोड़ी तीखे करने के लिए मैंने हल्की सी लाल मिर्च डाली है। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया हल्का सा गरम मसाला और थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर। ये डालने के बाद अच्छे से कर देंगे इसमें मिक्स। तो अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे। चाहें तो यहाँ पर आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, और अब जो है हमें इसको पकने देना है। तो देखिए, चीनी और गुड़ तो बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गया है, बट अब इसे थोड़ी देर मेल्ट करने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल लेंगे, तो जब मैंने पहले नहीं डाला था, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा हमारी चटनी में। और धीरे धीरे देखिए मेल्ट होता जाएगा, और जो हमारा कच्चा आम है वो भी बहुत ही अच्छे से पक जाएगा, हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से लो टू मीडियम गैस पे इसे पकने देंगे। और यहाँ पर मतलब जब बिल्कुल ज़्यादा हमें बिल्कुल वैसा भी नहीं करना है, हल्का सा इसमें रहना चाहिए मॉइस्चर, नहीं तो ये रखा रखा भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए, तो मतलब जो रसा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए पानी सा, बस हल्का सा गाढ़ा हो जाए। उसके बाद यहाँ पर हमारी जो आम की खट्टी मीठी चटनी है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, बहुत ही झटपट बन जाती है। और आप इसको सालों साल भी खाएंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आप इसको बाहर रख के खाएं 1 से 2 से 3 महीने, उसके बाद आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं अगर आपको ख़राब के चांसेस हैं, मगर वैसे ख़राब नहीं होगी। अगर आप बाहर भी रखेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाली है। आप इसको ट्रैवल पर ले जाएं, पूरी पराठे किसी के साथ भी इंजॉय करें, ब्रेड के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, और बच्चे भी इसको काफ़ी इंजॉय करते हैं, आसानी से खा लेते हैं।
मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इस तरीके से मैं बना के रख लेती हूँ और बहुत ही जल्दी डिब्बा साफ़ हो जाता है, फिर मैं एक बार दोबारा बना लेती हूँ। तो ये साल भर के लिए स्टोर करने के लिए होती है, बट मेरे यहाँ बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर डिब्बे में इसको फिल कर लिया है। तो आप इसको किसी भी कांच के कंटेनर में ही फिल करें, इसको प्लास्टिक के कंटेनर में, कोई भी अचार या चटनी हो उसको प्लास्टिक के कंटेनर में फिल करेंगे तो बहुत ही जल्दी ख़राब होने के चांसेज होते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि इसको आप कांच के कंटेनर में फिल करें, और जब भी आप चटनी को लें तो एक साफ़ चम्मच से ही लें, मतलब आपको चम्मच जो है वो गंदी यूज़ नहीं करनी है, उससे जो आपका अचार है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखना है, और साल भर के लिए आप इस तरीके से कोई भी अचार स्टोर कर सकते हैं। तो आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और एक बार मेरी इस चटनी को बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइज़।